तो हेलो गाइस, माय नेम इज जय किशन। फिलहाल यहाँ पर हमने एक बोल्ट कंपनी का ईयरबड्स मंगा लिया है। चलिए फटाफट इसका अनबॉक्सिंग देते हैं, आपको दिखाता हूँ कैसा रहता है ये। और ये जो है मुझे आज ही डिलीवर हुआ है, और ये जो फ्लिपकार्ट से मैंने मंगाया है और ओपन बॉक्स डिलीवरी के साथ में था। और इसको मैंने सेल के दौरान, मतलब सेल खत्म हो गया था, 7 तारीख को स्टार्ट हुआ था सेल और 15 तारीख को खत्म हो गया था। तो खत्म होने के बाद मैंने ऑर्डर किया है, तो मुझे काफ़ी सस्ते में पड़ा है। तो चलिए फटाफट से आपको बताता हूँ मैंने कितने में लिया है और इसके सारे चीज़ें बताऊँगा। इसका ईयर फिट कैसा है, आपको इसका आवाज़ कैसा है, और बिल्कुल भाई सस्ते में बहुत ही अच्छा मिल गया मुझे। तो गाइस डिलीवरी की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरह से पैकेजिंग वगैरह आया था। और इसके अंदर की बात करें तो यहाँ पर डिलीवरी बॉक्स आया और फटाक से ना इसको फाड़ा और निकाल दिया। जो डब्बा है कुछ इस तरह से आपको देखने में मिलता है। यहाँ पर बोल्ट कंपनी का है, W40 का नाम है, और यहाँ पर कुछ इस तरह से इसका आइकॉन बना हुआ है। यहाँ पर मेड इन इंडिया लिखा हुआ है। इस साइड की बात करें तो बड़ा सा ईयरफोन बना हुआ है, यहाँ पर boltaudio.com लिखा हुआ है, और यहाँ पर कुछ इस तरह से है। यहाँ पर आपको गेमिंग मोड मिल जाता है आपको, और बूम XTM ड्राइवर मिल जाता है, और डुअल मास्टर इसमें ब्लूटूथ मिल जाता है आपको। उसके बाद यहाँ पर मतलब गेमिंग में लो लेटेंसी मिल जाता है, और क्वाड माइक ENC यानी कि इसके अंदर ज़्यादा माइक दिया गया, यानी कि 4-4 माइक दिया गया, और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ में आता है। बाकी आप इन्फॉर्मेशन चाहो तो पढ़ सकते हो, और बिना इन्फॉर्मेशन को पढ़े हुए मैं इसको अनबॉक्स करने वाला हूँ। लाइक नेवर बिफोर लिखा हुआ है। चलिए यहाँ पर इसको मैंने आपको चारों तरफ से दिखा दिया ऑलमोस्ट। इसको ओपन करो तो यहाँ पर ओपन करने के बाद सिंपली आपको कुछ इस तरह से मिलता है ये। और गाइस यहाँ पर देख सकते हो ये बोल्ट का मिलता है। यहाँ पर इसमें कुछ चीज़ें हैं, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो ये यूज़र मैनुअल है, जो कि मतलब अब बोट वगैरह खरीदा जाता है तो भी इसी तरह का आपको यूज़र मैनुअल मिलता है, ठीक है। स्कैन एंड सिक्योर ऐसा कुछ लिखा हुआ है। 3 मंथ का यहाँ पर वारंटी आपको मिल जाता है, बाकी इसके अंदर कुछ भी नहीं है। इसको मैं साइड में रखता हूँ और डायरेक्ट आते हैं अपने ईयरफोन पे अब। और गाइस ईयरफोन की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो ये जो है रहा इसका केस तो भाई दिखने में बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है, और हाथ में लेने में भी काफ़ी प्रीमियम लग रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आपको एक बॉक्स जैसा कुछ मिलता है। इस बॉक्स के अंदर क्या है मैं वो भी देख लेता हूँ और आपको भी बता देता हूँ। इस बॉक्स के ऊपर लिखा है यहाँ पर एक्सेसरीज, यानी कि मेरे हिसाब से इसके अंदर चार्जिंग केबल होना चाहिए। ओ माय गॉड, चार्जिंग केबल के साथ साथ आपको कुछ ईयर टिप्स भी मिल जाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो ये अपना 2 जोड़ा ईयर टिप्स दिया गया, यानी कि 4 पीस, और यहाँ पर अपना ये चार्जिंग केबल, यहाँ पर देख सकते हो टाइप सी वाला चार्जिंग केबल है। तो इसका तो कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ता है, अपने नॉर्मल चार्जर से हम लोग चार्ज कर लेते हैं। इसको मैं वापस इसी में रख देता हूँ और इसको बंद कर देता हूँ। तो गाइस ये रहा अपना केस, यहाँ पर देख सकते हो बोल्ट कंपनी का ब्रांडिंग किया हुआ है। और यहाँ पर एक अजीब सा चीज़ दिया गया है, ये पता नहीं क्या चीज़ है, ये शायद मेरे हिसाब से लाइट होगा, जलता होगा। और पीछे से देख सकते हो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है, यहाँ पर पूरा मेटेलिक वाला है, ठीक है। और इसको मैं ओपन करूँ तो यहाँ पर देख सकते हो ये ओपन हो चुका है, और इसको जैसे ही मैं निकालूँगा, इसको फिलहाल मैं यूज़ कर रहा था, जैसे ही निकाला फटाक से मेरे डिवाइस के साथ कनेक्ट हो चुका है। और इसका जो क्वालिटी बात करें डब्बा का, तो यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरह से आपको डब्बा का क्वालिटी मिलता है देखने को। और इसके अंदर ना हमें चार्जिंग वाला चीज़ें दिया गया, आई डोंट नो आपको दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा, मैं कोशिश करूँगा आपको दिखाने की, ठीक है। और यहाँ पर जो डब्बा है कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अब चलिए फटाफट से, ओ माई गॉड चार्जर देखो यार कितना तगड़ा है इसका, मतलब इसका पूरा खतरनाक तरीका से ये मतलब टाइप सी वाले को मतलब बनाया गया है, बहुत मस्त दिख रहा है ये, ठीक है। तो चलो मैं अब इस पे आते हैं, आपको दिखाता हूँ इसको। तो यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरह से ये देखने को मिलता है, आपको मैं क्लोज लुक दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हो पूरा एक पता नहीं किस ये मेटल का बना हुआ है, ये चार्जिंग के लिए बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो है कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर एक माइक दिया गया है शायद से, मेरे हिसाब से एक यहाँ पर भी माइक दिया गया, एक यहाँ पर भी माइक दिया गया है। 3 माइक तो मुझे साफ साफ दिख रहा है, लेकिन एक माइक का मुझे पता नहीं। यहाँ पर बोला गया था क्वाड माइक, यानी कि 4 माइक। तो चलो मैं 3 माइक तो मेरे को सामने दिख गया, यहाँ पर भी देख सकते हो 1, 2 और यहाँ पर 3, ठीक है, बस इतना ही दिख रहा है मुझे। और ये तो भाई चार्जिंग वगैरह के लिए दिया गया है, कुछ इस तरह से भाई देखने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। चलिए इसको मैं साउंड क्वालिटी वगैरह आपको बताता हूँ थोड़ा सा और अच्छे से यूज़ करके। वैसे मैं पहले से यूज करता था, ऐसा नहीं है कि यूज नहीं करता था, यूज करके आपको प्रॉपर चीज़ें बता रहा हूँ। और गाइस इसके अंदर ब्लूटूथ की बात करें तो 5.3 दिया गया, जो कि काफ़ी फास्ट और काफ़ी रिस्पॉन्सिव मैंने कनेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हो बोल्ट ऑडियो ईयरबेस यहाँ पर इसका नाम है, तो यहाँ पर देख सकते हो कनेक्टेड हो चुका है, और ये जो है 60% चार्ज है। यहाँ पर मोर की बात करें तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको ये मीडिया वाला AAC वाला मिल जाता है। यहाँ पर ये देखो मतलब ये जो HD AAC ये चीज़ मतलब फीचर मिल जाता है आपको। तो चलिए फटाफट से इसको अब मैं गाना वगैरह सुनता हूँ, उसके बाद आपको मैं बताता हूँ कि इसका मतलब ऐसे यूज़ कर रहा था तो मैं अच्छे से बता सकता हूँ, ठीक है। फिर भी मैं आपको एक बार बजा करके और ईयर फिट वगैरह भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो गाइस इसको मैंने अभी जस्ट सुना, और आपको भी अगर ईयरफोन चेक करना होगा, सुनना होगा गाना, तो ये वाला जरूर से गाना आप भी सुनना, ठीक है। इस गाना को मैंने सुनने पर एक्चुअली में आपको पता चला कि इसके अंदर बेस और वो कितना है, ठीक है। ये गाना बहुत ज़्यादा मतलब इंटरेस्टिंग है, चलो मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा गाना है।
यहाँ पर देखो इस गाना को आप जरूर सुनना है एक बार, ठीक है। कोई भी ईयरफोन लगा करके आपको एक्चुअल में इसका बेस और जो लाउड है, साउंड क्वालिटी है, सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मस्त आपको दिखने वाला है, ठीक है। और गाइस आप लोगों का बहुत ज़्यादा ये सवाल था कि मतलब इसको ओपन करने के बाद ये जो है गिरता है कि नहीं टेढ़ा करने पे। तो यहाँ पर गाइस देख सकते हो, इसको मैंने टेढ़ा कर दिया पूरा, और इसको मैं इस तरह से कर भी रहा हूँ तो भी यहाँ पर देख सकते हो ये जो है नहीं गिर रहा है, मतलब गिरेगा नहीं, काफ़ी मतलब इसको अच्छे से ये पकड़ लेता है, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हो अभी लाइट जल रहा है, जब चार्ज होता है तो ये यहाँ पर कुछ इस तरह से ये जलता है, ठीक है। इसको मैं बंद कर दूंगा तो जलता रहेगा, इसके अंदर जो मतलब ईयरबड्स है वो फुल चार्ज होगा तो हो जाएगा, तो ये बंद हो जाएगा, और जब इसको आप चार्ज में लगाओगे तो ये ब्लिंक करता है, बढ़ता है, बुझता है, फिर जलता है, फिर बुझता है, तो उस तरह से ये ब्लिंक करता है। अब चलिए इसके कुछ टच कंट्रोल्स की बात करें तो कैसे इसका टच कंट्रोल्स काम करता है, इसमें बहुत अच्छे अच्छे टच कंट्रोल्स दिया गया, ठीक है। तो चलो मैं इसको निकालता हूँ बाहर और उसके बाद आपको दिखाता हूँ मैं। तो चलिए गाइस अब मैं आपको टच कंट्रोल्स बताता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो गाना भी फिलहाल बज रहा है, इसको एक बार मैं दबाता हूँ तो यहाँ पर टिक से आवाज़ करता है, और यहाँ पर देख सकते हो ये जो गाना है पॉज हो चुका है। फिर एक बार मैं इसको क्लिक करता हूँ तो गाना आपका प्ले हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं दो बार क्लिक करता हूँ तो देखो क्या होता है, इसका गाना जो है नेक्स्ट और प्रीवियस तो नहीं कर सकते, बेसिकली नेक्स्ट कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर तीन बार मैं दबाता हूँ तो देखो क्या होता है, मतलब इसका आवाज़ जो है कम होता है। देखो तीन बार मैंने दबाया, देखो आवाज़ कम हो गया, देखो फिर से दबाया मैंने, फिर से आवाज़ थोड़ा सा कम हो गया, फिर से मैं दबाऊंगा तो फिर से आवाज़ थोड़ा सा कम होगा। तो इस तरह से आप कम आवाज़ कर सकते हो लेकिन ज़्यादा नहीं कर सकते हो, ये इसमें प्रॉब्लम देखने को मिलता है। आवाज़ कम तो हो जाता है लेकिन बढ़ाने का भी तो व्यवस्था होना चाहिए ना, तो ये इसके अंदर नहीं मिलता है। और चार बार मैं दबाऊंगा तो इसमें जो है गेमिंग मोड चालू हो जाएगा, यानी कि देखो अभी मैं चार बार दबाता हूँ तो देखना। तो गाइस आपने सुना होगा चार बार जैसे ही मैंने दबाया तो यहाँ पर गेमिंग मोड जो है चालू हो चुका है। तो इसके अंदर गेमिंग मोड चालू करने का और बंद करने का ऑप्शन इसको चार बार टच करने के बाद मिलता है। और एक बहुत ही अच्छा चीज़ मुझे मिला कि मतलब इसको दबाते हैं ना टिक से आवाज करता है, देखो जैसे मैंने क्लिक करूँगा तो देखना टिक से आवाज करेगा, देखो टिक से आवाज किया। अभी तो आपको नहीं पता चल रहा होगा, मैं रुको एक बार क्या करता हूँ, इस सॉन्ग को कट कर देता हूँ और देन आपको मैं अच्छे से सुनाता हूँ। और गाइस अभी सुनो आप जरा, देखो आप सुन रहे पा रहे होंगे टिक से कर रहा है, और इसको दबाए रखोगे तो आपका जो गूगल असिस्टेंट है वो चालू हो जाएगा या फिर आपका जो सीरी है वो चालू हो जाएगा। देखो यहाँ पर गूगल असिस्टेंट चालू हो गया, फिर मतलब इसको अब जो भी मैं बोलूँगा वो सर्च कर देगा बेसिकली। तो यहाँ पर इसके अंदर बहुत ही मस्त ये चीज़ मिलता है, टिक टिक करता है, तो ये काफ़ी मतलब अच्छा लगता है मुझे। और ये मतलब हर ईयरफोन या फिर ब्लूटूथ वाले में ज़रूर से देना चाहिए कंपनी को, लेकिन नहीं देते हैं, क्या कर सकता है अब कोई। तो चलो गाइस अब मैं आपका इसका रेंज टेस्ट करके दिखाता हूँ, इसका रेंज टेस्ट कितना है और रेंज कितना मतलब ज़्यादा दूर जाने पर काम करता है। हो सकता है मेरा माइक भी काम ना करे, ठीक है। तो अभी मेरा गाना बज रहा है, मैं आपको सुनाता हूँ जरा, NCS का मैंने सॉन्ग प्ले कर लिया है, यहाँ पर सुन सकते हो। चलो मैं पीछे जाता हूँ और देखता हूँ कि कहाँ तक ये वर्क कर रहा है। मेरा मोबाइल जो है अमित के पास है, जहाँ पर मतलब कैमरा है बेसिकली वहीं पे मोबाइल भी है, ठीक है। मैं दूर जा रहा हूँ और अभी तक मेरे को सुनाई दे रहा है, आई डोंट नो आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा होगा, डोंट नो, बट मेरे को सुनाई दे रहा है, ठीक है। और माइक भी शायद से कनेक्टेड ही होगा, तो यहाँ पर अभी तो गाना सुनाई दे रहा है और आपको भी सुनाई दे रहा होगा गाना। चलो मैं पीछे जा रहा हूँ, देखो यहाँ तक मतलब जो आपको पता नहीं कैमरा में मैं दिख रहा, हाँ यहाँ पर एक बार मेरे को कट मिला है लेकिन अभी भी चल रहा है गाना, इसलिए चल रहा है माइक पता काम कर रहा है। देखो अभी यहाँ पर आवाज़ ड्रॉप हो गया, यहाँ पे देखो प्रॉपर नहीं आ रहा है, देखो ड्रॉप अभी हो रहा है, कभी कभी ड्रॉप हो जा रहा है। देखो थोड़ा सा मैं इस तरह से कर रहा हूँ तो अभी सुनाई, यानी कि लगभग काफ़ी मतलब दूर है, आप देख सकते हो वहाँ से यहाँ तक, मतलब रेंज की बात करें तो काफ़ी अच्छा खासा रेंज है। और यहाँ पर देखो मैं एक बार दबा के देखता हूँ काम कर रहा है कि नहीं, टच कंट्रोल भी काम कर रहा है, यहाँ पर देख सकते हो मतलब आपको पता चल रहा होगा। तो यहाँ तक मतलब लगभग आपको मैक्सिमम रेंज यहाँ तक मिल जाता है, वहाँ से यहाँ तक लगभग 15 या 20 मीटर होगा, ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। माइक का पता नहीं काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है यार, ये तो अलग बात है, ठीक है। तो चलो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट से पास में आता हूँ और आपको बताता हूँ। तो गाइस मैंने इसको ओवरऑल सुना और आपने भी सुना होगा, इसका रेंज वगैरह सारी चीज़ें मैंने दिखा दिया, और मुझे ओवरऑल ये ईयरफोन मतलब ईयरबड्स जो है काफ़ी अच्छा लगा, आप इसको कंसिडर कर सकते हो। और बैटरी बैकअप वगैरह की बात करें तो मतलब ये जो है एक चार्ज में, यानी कि सिर्फ मैं ईयरबड्स की बात कर रहा हूँ, जो कान में सिर्फ लग जाता है वो इक्कीस सा है, जो वो भाई लगभग 10 घंटे तक इसका बैकअप दे सकता है। सोच सकते हो कितना अच्छी बात है और कितना तगड़ी है। और इसका साउंड क्वालिटी भी काफ़ी मतलब इंप्रेसिव लगा मुझे। और इसकी प्राइस की बात करें तो यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, यहाँ पर देख सकते हो ये 854 रुपये मुझे पड़ चुका है, और इसको मैंने सेल के दौरान नहीं लिया है, सेल के बाद लिया है, ठीक है तब। और यहाँ पर देख सकते हो जो है मतलब फ्लिपकार्ट में कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है, मतलब सही है यार, अच्छा है, आप ले सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बहुत मस्त करके काम करता है। आपको 13 mm का ड्राइवर भी मिल जाता है, सोच सकते हो, तो 13 mm का ड्राइवर जो काफ़ी अच्छा होता है, टच कंट्रोल वगैरह मिल जाता है, सीरी मिल जाता है, मैंने अपने आईफोन में भी चला के देखा, सीरी वगैरह प्रॉपर काम कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें था इसके अंदर, मैंने आपको बता दिया जो कि। तो गाइस आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, बाकी चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत। कोई भी सवाल सुझाव हो तो इंस्टाग्राम पे दौड़ जाओ और वहां पे पूछो, मैं जरूर से आपका जवाब दूंगा। ठीक है, चलो।